तो सैमसंग के कुछ डिवाइसेस में न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट सैमसंग ने रोल आउट कर दिया है। तो कितने साइज का अपडेट फाइल, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट्स किया गया, क्या कुछ नए फीचर्स को ऐड किया गया, सब कुछ मैं डिटेल में आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं 95 लाइक, 95 लाइक आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अपडेट है सैमसंग F23 5G के लिए। बात करें अपडेट फाइल की तो 413 MB का अपडेट है, जुलाई का सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। और इस अपडेट में सैमसंग ने ओवरऑल डिवाइस की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया है, बग्स को फिक्स किया गया है, कुछ फीचर्स को ऐड किया गया है और डिवाइस की परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव किया गया है। साथ ही डिवाइस की सिक्योरिटी को भी इम्प्रूव किया गया है इस नए अपडेट के अंदर। तो अगर आप सैमसंग F23 5G डिवाइस यूज करते हैं तो अपडेट कीजिए अपने डिवाइस को। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अगला अपडेट है S21 सीरीज के लिए, S21, S21 प्लस, S21 अल्ट्रा। बात करें अपडेट फाइल की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 593.72 MB का अपडेट है, अगस्त 2022 का सिक्योरिटी पैच है। और इस अपडेट में सैमसंग ने ओवरऑल डिवाइस की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया है, साथ में डिवाइस की सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया गया है, बग्स को फिक्स किया गया है, कुछ फीचर्स को ऐड किया गया है। और सैमसंग के स्टॉक एप्लीकेशंस जो सैमसंग नोट्स हो गया, सैमसंग इंटरनेट, सैमसंग मेंबर्स, कैलकुलेटर, वॉइस रिकॉर्डर हो गया, इन सभी एप्लीकेशंस को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर दिया गया है। तो अपडेट कीजिए अपने डिवाइस को। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अगला अपडेट है सैमसंग A12 नाचो के लिए। बात करें अपडेट फाइल की तो 812 MB का अपडेट है, अगस्त 2022 का हमें सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। और इस अपडेट में सैमसंग ने ओवरऑल फंक्शंस की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया है, साथ में डिवाइस की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है, बग्स को फिक्स किया गया है, कुछ फीचर्स को ऐड किया गया है और सैमसंग के स्टॉक एप्लीकेशंस को भी लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर दिया गया है। तो अपडेट कीजिए अपने डिवाइस को। तो यही था आज की इस वीडियो में, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।